नमस्ते गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो कैसे हैं आप सब? आज मैं आपको फुटप्रिंट्स विदाउट फीट बुक के चैप्टर 2 द थीप स्टोरी का फुल समरी बताने वाला हूं और लास्ट में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी बताऊंगा जो बोर्ड्स में आ सकते हैं, इसलिए वीडियो को एंड तक देखिएगा। एक छोटा सा लड़का अनिल से फ्रेंडशिप कर लेता है। अनिल उस पर पूरी तरह विश्वास करने लगता है और उसे काम पर भी रख लेता है। तो चलिए देखते हैं क्या होता है इस इंटरेस्टिंग स्टोरी में। हरी सिंह बताता है कि जब वो अनिल से मिला तो उस समय भी वो चोर था। उसकी एज उस समय 15 ईयर्स की थी, लेकिन उसे चोरी का एक्सपीरियंस भी था और वो काफी सक्सेसफुल चोर था। जब हरी सिंह अनिल के पास गया तो उस समय वो रेसलिंग का मैच देख रहा था। अनिल एक 25 ईयर्स का लंबा आदमी था जिसका विश्वास जीतना हरी सिंह के लिए आसान था क्योंकि वो लापरवाह, दयालु और सीधा साधा आदमी था। हरी सिंह अनिल से कहता है कि आप भी रेसलर दिखते हैं। वो ऐसा इसलिए कहता है क्योंकि उसे पता है कि चापलूसी करने से दोस्त बनाने में आसानी होती है। अनिल ने कहा, तुम भी रेसलर दिखते हो। ये सुन के हरी सिंह को बुरा लगता है क्योंकि वो उस समय बहुत दुबला पतला था, लेकिन हरी सिंह कहता है कि हाँ, मैं थोड़ी बहुत रेसलिंग करता हूँ। अनिल उससे उसका नाम पूछता है तो वो बताता है कि मेरा नाम हरी सिंह है, लेकिन ये उसका रियल नेम नहीं रहता है। वो अपना नेम हर महीने बदलता रहता है पुलिस और जहाँ वो पहले काम करता था उनसे बचने के लिए। उसके बाद अनिल के जाने लगता है तो हरी सिंह उसके पीछे चला जाता है। अनिल उसे दोबारा हेलो बोलता है तो हरी सिंह स्माइल करते हुए अनिल से कहता है कि मैं आपके लिए काम करना चाहता हूं, लेकिन अनिल उसे सैलरी देने के लिए मना कर देता है। तो एक बार के लिए हरी सिंह को ऐसा लगता है कि उसने आदमी पहचानने में गलती कर दी है। हरी सिंह अनिल से पूछता है कि क्या आप मुझे खाना खिला सकते हैं? तो अनिल उससे कहता है कि अगर तुम खाना बना सकते हो तो मैं तुम्हें खाना खिला सकता हूं। हरी सिंह कहता है कि हाँ, मुझे खाना बनाने आता है, लेकिन वो झूठ बोलता है। अनिल उसे अपने कमरे में ले जाता है जो जमुना मिठाई भंडार के ऊपर रहता है और उसे बालकनी में सोने को बोलता है। उस रात को हरी सिंह ने ही डिनर बनाया था और अनिल ने वो डिनर आवारा कुत्तों को खिला दिया था क्योंकि वो बहुत खराब बना था। इसके बाद अनिल हरी सिंह को जाने को बोलता है, लेकिन हरी सिंह उसके आसपास मुस्कुराते हुए मर्रा रहा था। इस वजह से अनिल भी अपनी हंसी नहीं रोक पाया था। बाद में अनिल ने हरी सिंह का सिर थपथपाया और कहा, कोई बात नहीं, मैं तुम्हें खाना बनाना सिखाऊंगा। अनिल ने हरी सिंह को उसका नाम लिखना और एडिशन करना सिखाया। इस वजह से हरी सिंह अनिल का थैंकफुल था और वो ये अच्छे से जानता था कि अगर वो एक पढ़े लिखे आदमी की तरह लिखना सीख गया तो बहुत आगे बढ़ जाएगा। हरी सिंह को अनिल के लिए काम करना अच्छा लगता था। वो रोज सुबह उसके लिए चाय बनाता और मार्केट से सामान लेने जाता था और हर दिन 1 रुपए बचा लेता था। अनिल ये बात जानता था लेकिन उसे बुरा नहीं लगता था। अनिल रेगुलरली पैसा नहीं कमाता था, वो वीक में एक बार उधार लेता और अगले वीक में उधार चुका देता था। वो अपने अगले चेक के लिए परेशान रहता था और चेक आने पे पार्टी मनाने निकल जाता था। ऐसा लगता था कि अनिल मैगजीन के लिए लिखता था। एक दिन अनिल शाम को नोटों की गड्डी लेकर घर आता है और बताता है कि उसकी बुक एक पब्लिशर ने खरीद ली है। हरी सिंह ने अनिल को रात में नोटों की गड्डी बिस्तर के नीचे रखते हुए देख लिया था। हरी सिंह अनिल के लिए 1 महीने से काम कर रहा था। वो बस शॉपिंग करने से थोड़ा पैसा कमाया था, उसके अलावा कोई चोरी नहीं किया था, लेकिन इस बार उसे चोरी करने का पूरा मौका था। अनिल ने दरवाजे की एक चाबी हरी सिंह को दी थी ताकि वो कभी भी रूम में आ सके। हरी सिंह ने इतना विश्वास करने वाला दूसरा आदमी कभी भी नहीं देखा था, इस वजह से उसे लूटना मुश्किल हो गया था। हरी सिंह बताता है कि लालची आदमी को लूटना आसान है क्योंकि वो लूटना सहन कर सकता है, लेकिन एक लापरवाह इंसान को लूटना बहुत मुश्किल है क्योंकि कभी कभी तो उसे पता ही नहीं चलता है कि वो लूट चुका है, इसलिए चोरी करने का सारा मजा खराब हो जाता है। हरी सिंह सोचता है कि अगर मैं ये पैसा नहीं चुराऊंगा तो अनिल उस पैसे को अपने दोस्तों में लुटा देगा और उसे सैलरी भी तो नहीं देता है। अनिल सो रहा था, मून की लाइट्स बालकनी को पार करके अनिल के बेड पर पड़ रही थी। हरी सिंह फर्श पर उठ के बैठ गया और सोचने लगा कि अगर मैं पैसा चुरा लेता हूं तो 10:30 पर लखनऊ एक्सप्रेस में बैठ जाऊंगा। कंबल से बाहर निकलकर हरी सिंह अनिल के बेड के पास गया। अनिल आराम से सो रहा था, उसका चेहरा एकदम साफ था, लेकिन हरी सिंह के चेहरे पर निशान था चोट लगने की वजह से। हरी सिंह ने गद्दे के नीचे हाथ डालकर धीरे से नोट निकाल लिया और उसके बाद कमरे से बाहर चला गया। उसके बाद हरी सिंह रोड पर पहुंचने के बाद दौड़ने लगा। नोट उसकी कमर में था जो कि पैजामे के नाड़े में बंधे हुए थे। हरी सिंह नोट्स को गिनता है और पता चलता है कि टोटल 600 रुपीज थे जो कि 50-50 के थे। हरी सिंह कहता है कि अब मैं 1-2 हफ्ते अमीर अरब के लोगों की तरह रहूंगा। उसके बाद हरी सिंह रेलवे स्टेशन पहुंच जाता है और वो टिकट काउंटर पर भी नहीं रुकता है क्योंकि वो अपनी लाइफ में कभी भी टिकट नहीं लिया था। लखनऊ एक्सप्रेस धीरे धीरे चलने लगी थी। अगर हरी सिंह चाहता तो ट्रेन में कूद के चढ़ जाता,
लेकिन वो चढ़ता नहीं है और भागने का मौका खो देता है। ट्रेन जाने के बाद वो प्लेटफॉर्म पे अकेला था और उसे पता नहीं था कि वो कहाँ जाए, क्योंकि उसका कोई फ्रेंड नहीं था। उसका मानना था कि फ्रेंड हेल्प कम करते हैं और परेशान ज्यादा करते हैं। हरी सिंह चोरी करते करते लोगों का चेहरा पढ़ना सीख गया था। वो बताता है कि जब किसी लालची आदमी का सामान गायब होता है तो वो डर जाता है, अमीर आदमी का खोता है तो वो गुस्सा हो जाता है, और गरीब आदमी का खोता है तो वो एक्सेप्ट कर लेता है। उसे पता था कि जब अनिल को पता चलेगा कि वो लूट गया है तो वो उदास हो जाएगा, पैसा चोरी होने की वजह से नहीं बल्कि विश्वास टूटने की वजह से। हरी सिंह एक मैदान में बेंच पर बैठा हुआ था। नवंबर का मंथ स्टार्ट हुआ था, रात में बहुत ठंड थी, थोड़ी बूंदाबांदी होने की वजह से उसकी प्रॉब्लम और बढ़ गई थी। कुछ ही देर में तेज बारिश होने लगी। उसके बाद हरी सिंह बाजार चला जाता है और क्लॉक टावर के नीचे बैठ जाता है क्योंकि उसका कपड़ा भीग गया था। रात के 12 बज रहे थे। हरी सिंह नोटों को चेक करता है और पता चलता है कि सारे नोट भीग गए हैं। हरी सिंह सोचता है कि अनिल उसे सुबह 2 या 3 रुपए दे देता मूवी देखने के लिए, लेकिन अब उसके पास सारा पैसा है, वो अब अनिल के लिए खाना भी नहीं बना सकता है, मार्केट में सामान लेने भी नहीं जा सकता है और पूरा सेंटेंस लिखना भी नहीं सीख सकता है। वो चोरी की खुशी में ये सब तो भूल ही गया था। उसे पता था कि अगर वो पूरा सेंटेंस लिखना सीख गया तो एक दिन कई 100 रुपए कमा सकेगा। चोरी करना आसान था और कभी कभी पकड़े जाना भी आसान था, लेकिन एक बड़ा चालाक और सम्मानित आदमी बनने में कुछ अलग बात थी। हरी सिंह खुद से बोलता है कि चलो अनिल के पास वापस चला जाता हूँ, कम से कम उसके पास लिखना पढ़ना तो सीख लेगा। उसके बाद हरी सिंह अनिल के घर पहुंच जाता है। अनिल उस समय सो रहा था। हरी सिंह नोटों को उसके बिस्तर के नीचे रख देता है। अगले दिन सुबह हरी सिंह उठता है तो देखता है कि अनिल ने पहले ही चाय बना रखी है। अनिल ने हरी सिंह को 50 रुपीज दिया। वो सोचता है कि लगता है मेरी चोरी पकड़ी गई। अनिल ने बताया कल उसे कुछ पैसे मिले थे, अब तुम्हें रेगुलर सैलरी मिलेगी। उसने नोट ले लिया, लेकिन वो नोट बारिश की वजह से भीग गया था। अनिल ने कहा आज हम सेंटेंस लिखना सीखेंगे। वो जानता था कि हरी सिंह ने चोरी की है, लेकिन ये बात ना तो उसके होठों पर आती है ना तो उसकी आंखों पे। हरी सिंह मुस्कुराता है बिना किसी एफर्ट के। सो गाइस, ये थे फुटप्रिंट्स विदाउट फीट बुक के चैप्टर 2 द थीफ स्टोरी के वो समरी। अब मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी बता देता हूँ जो वो उसमें आ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, What does he say about the different reactions of people when they are robbed? Question number 2 है, Why does Anil not hand the thief over to police? Question number 3 है, Why was Hari Singh grateful to Anil? Question number 4 है, How did Hari Singh make money though he was not paid by Anil? So guys, मैंने आपसे 4 क्वेश्चन पूछे हैं जिनका आंसर आपको नीचे कमेंट बॉक्स में देना है, और अगर आप मुझसे कुछ पूछना चाहते हैं तो वो भी कमेंट में पूछ सकते हैं। So guys, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करिए, नहीं अच्छी लगी हो तो डिसलाइक करिए, और नीचे कमेंट करके बताइए कि आपको क्या अच्छा नहीं लगा ताकि मैं अगली बार इम्प्रूव कर सकूं। और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में क्लास हिंदी और इंग्लिश की प्लेलिस्ट अवेलेबल है, उसी भी आप एक्सेस कर सकते हैं। और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा ताकि ऐसी यूजफुल वीडियो आपको मिलती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड। हार नहीं मानूंगा मैं, चलता रहूंगा, जो मैंने है जाना वो मैं करके रहूंगा। जिद्दी हूँ, जिद पे अड़ा हूँ मैं अपनी, ना रोके रुकू मैं, खुदा से लड़ूंगा मैं, ऐसा भिड़ूंगा टूटेंगे पर्वत, खुद को संभाला, बोला तू डर मत।